दोस्तों आज हम जानेंगे किस तरीके से आप टिकर टेप को यूज़ करके किसी भी मल्टीबैगर स्टॉक को फाइंड कर सकते हो बहुत ही इजीली। तो पहले आपको टिकर टेप वेबसाइट में आना है, देन क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो मोर का एक ऑप्शन है, तो हमें क्या करना है, इस मोर वाले ऑप्शन में करना है क्लिक। तो मोर का ऑप्शन में क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आया है। तो यहाँ पर हमें ना आज मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर कहीं पे भी नहीं जाना है, डायरेक्टली हमें आना है स्टॉक स्क्रीनर पे, ठीक है। तो हर एक के ऊपर हम बहुत ही जल्द वीडियो लाएंगे अगर आप लोग कमेंट करोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर स्टॉक स्क्रीनर के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे अभी। तो यहाँ पर देखो स्टॉक स्क्रीनर को यूज़ करना है, तो इसके ऊपर करना है क्लिक। एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो पूरा का पूरा एक पेज नया सा ओपन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर बेसिक है, प्रीमियम है, सेव है। तो हमें क्या करना है, सेव वाले ऑप्शन में करना है क्लिक। तो जैसे ही हमने सेव वाले ऑप्शन में किया क्लिक, देन यहाँ पर देख सकते हो क्रिएट स्क्रीनर बनकर एक ऑप्शन आया है। तो हमें क्या करना है, क्रिएट स्क्रीनर पर करना है क्लिक। तो क्रिएट स्क्रीनर पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो पूरा का पूरा कहा जाए तो यहाँ पर देख सकते हो 4900 से भी ज़्यादा यहाँ पर शेयर्स आ गया है, NSE BSE दोनों का शेयर्स यहाँ पर आपको दिखने को मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जैसे कि फ़िल्टर करेंगे कि फ़िल्टर करके हम शेयर्स को फाइंड करेंगे। जैसे कि हमें चाहिए मान लो कि बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक, तो हम कैसे ढूंढेंगे, तो हमें ढूंढने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर एडिट फ़िल्टर में करना है क्लिक। तो एडिट फिल्टर में हमने किया क्लिक, यहाँ पर देख सकते हो स्टॉक यूनिवर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्टॉक यूनिवर्स में कोई भी काम नहीं है, बट उसके बावजूद भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर स्टॉक यूनिवर्स मीन्स आपको यहाँ पर क्या आप निफ्टी 50 के अंदर का स्टॉक को देखना चाहते हो, ना कि निफ्टी का, यानी कोई भी इंडेक्सेस का अगर देखना चाहते हो तो वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमें यहाँ पर कोई भी छेड़खानी नहीं करना है, हमें पूरा मार्केट एनालिसिस करना है, पूरा मार्केट का सारे स्टॉक में से फिल्टर करके निकालना है। तो इसीलिए हम जाएंगे यहाँ पर सेक्टर में, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो सेक्टर है, तो हम करते हैं यहाँ पर सेक्टर में क्लिक। तो सेक्टर में क्लिक करने के बाद देख सकते हो बहुत सारे सेक्टर आ गया है, जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो कंज्यूमर, देन कम्युनिकेशन सर्विस, देन कंज्यूमर स्टिप्स, देख सकते हो यहाँ पर एनर्जी, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, देन इंडस्ट्रियल, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मटेरियल्स, देन बहुत सारे यहाँ पर सेक्टर है। तो देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर किस सेक्टर में हो सकता है, तो फाइनेंशियल सेक्टर में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर में करेंगे क्लिक। एंड यहाँ पर बहुत सारे साब सेक्टर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हमने किया क्लिक तो पहले ही देख सकते हो यहाँ पर दो साब सेक्टर आया है, जैसे कि प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक। तो इनमें से हम किसी भी एक बैंकिंग सेक्टर को चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम प्राइवेट बैंक को एनालिसिस कर लेते हैं, तो प्राइवेट बैंक हमने सिलेक्ट कर लिया। देन क्या करना है, हमें यहाँ पर आना है, देख सकते हो यहाँ पर सिलेक्ट जो है ना वो हो गया है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर में हमें क्या करना है, प्राइवेट बैंक को सिलेक्ट करना है। एंड उसके बाद किसी एक इंडिविजुअल पूरा सेक्टर को सिलेक्ट करके अनसिलेक्ट कर देना है, जैसे कि हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, देन यहाँ पर अनसिलेक्ट कर दिया। देख सकते हो यहाँ पर अपडेट फिल्टर का ऑप्शन आ गया, तो हमें क्या करना है, अपडेट फिल्टर में कर देना है क्लिक। एंड अपडेट फिल्टर में क्लिक करने के बाद यहाँ पर अप्लाई फिल्टर में कर देना है क्लिक। तो देख सकते हो बैंकिंग सेक्टर जो है, यहाँ पर देखा जाए तो प्राइवेट बैंक में कितने स्टॉक है, 25 स्टॉक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे चीज़ है, जैसे कि पहले है साब सेक्टर, जैसे कि यहाँ पर साब सेक्टर का नेम है। उसके बाद अगर कहा जाए तो यहाँ पर देख सकते हो मार्केट कैप क्या है, तो मार्केट कैप जो है बड़े से छोटे लेवल तक आया है। उसके बाद है क्लोजिंग प्राइस, देन यहाँ पर देख सकते हो पी रेशियो भी देख सकते हो यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं, जैसे कि मार्केट साइज जो है ना बड़ा से नहीं छोटा से देखना चाहते हो, तो आप यहाँ पर नेम जो है इसमें करो क्लिक। जैसे कि आप मार्केट कैप में क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो छोटे लेवल का जो बैंकिंग स्टॉक है उसका नेम आ गया सबसे पहले, देख सकते हो यहाँ पर, देन सेकंड छोटा लेवल का, देन यहाँ पर इस तरीके से बड़े लेवल में जाएगा।
अगर आप चाहते हो नहीं नहीं हम क्या करेंगे कि क्लोजिंग प्राइस को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो सबसे कम प्राइस वाले कौन से बैंकिंग स्टॉक है, तो इसको कर दो क्लोज में, क्लोजिंग प्राइस में करो क्लिक, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा जैसे कि देख सकते हो महंगा, सबसे महंगा बैंकिंग सेक्टर का कौन सा स्टॉक है, तो कोटक बैंक का स्टॉक है। उसके बाद अगर आप फिर से करोगे क्लिक, देन यहाँ पर देख सकते हो यस बैंक का शेयर है जो अभी के टाइम पर मार्केट में सबसे सस्ता है, ठीक है। इस तरीके से आप क्लिक करके पहला क्लिक में आपको सबसे ज़्यादा महंगा वाला शेयर मिल जाएगा, दूसरे क्लिक करोगे तो सबसे सस्ते वाला शेयर्स मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देन पी में भी ऐसा ही है, अगर आप चाहते हो कि सबसे ज़्यादा पी वाला देखना तो यहाँ पर पी के ऊपर क्लिक करो, इस बॉक्स में क्लिक करोगे तो सबसे महंगा वाला प्राइस आ जाएगा, देन वापस से क्लिक करो तो यहाँ पर सबसे सस्ता वाला प्राइस आ जाएगा। तो सबसे सस्ता जो प्राइस है अभी के टाइम पर पी कोई भी बैंकिंग स्टॉक का, तो वो है कर्नाटका बैंक का। देन उसके बाद कहा जाए तो डीसीबी बैंक का है, उसके बाद उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, देन यहाँ पर देख ही सकते हो किस किस बैंक का कैसा प्राइस है पी का, ठीक है। अब जैसे कि मान लो हम और भी कुछ चीज़ ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिल्टर में तो जैसे कि आप हमें दिखाई दे रहा है क्या, फिल्टर में हम सेक्टर को यूज़ कर सकते हैं, मार्केट कैप भी अपने हिसाब से यहाँ पर भी फिल्टर कर सकते हो, क्लोजिंग प्राइस भी आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो, पी यहाँ पर आप सिलेक्ट करो, देन पी हम चाहते हैं कि किसी भी कंपनी का पी नेगेटिव वाले जितने भी कंपनी का पी है वो आए ही ना, तो हम चाहते हैं नेगेटिव वाले पी वाले स्टॉक ना आए, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो नेगेटिव वाले पी है वो हटा देंगे, जैसे कि जीरो से जितना महंगा पी हो सकता है, ठीक है, तो हमने सिलेक्ट कर लिया, देन अपडेट फिल्टर में कर दिया हमने क्लिक, देन यहाँ पर जो सेक्टर है उसको हम हटा देंगे एंड ऑल सेक्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, देन सब कुछ सही है, देन यहाँ पर अप्लाई में करते हैं क्लिक, तो देख सकते हो पहले 4900 शेयर था, इनमें से देखा जाए तो स्टॉक जो है यहाँ पर देख सकते हो 3500 स्टॉक ही आया है, ठीक है, तो इस तरीके से हम फिल्टर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि नहीं यहाँ पर पीई रेशियो है, क्लोजिंग प्राइस है, मार्केट कैप है, सेक्टर है, हम चाहते हैं कि पी बी रेशियो ऐड करना, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐड फिल्टर में करते हैं क्लिक, जैसे कि ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ऐड फिल्टर का एक ऑप्शन है, तो इसमें हमें करना है क्लिक, तो ऐड फिल्टर में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे चीज़ है यहाँ पर, देखा जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हो इनकम स्टेटमेंट भी सर्च कर सकते हो, ETF सर्च कर सकते हो, देन टिकर टेप का स्पेशल भी सर्च कर सकते हो, उसके बाद ओनरशिप भी सर्च कर सकते हो यहाँ पर, देन एनालिटिक्स का रेटिंग के हिसाब से भी सर्च कर सकते हो, देन बैलेंस शीट कैश फ्लो, देन यहाँ पर वैल्यूएशन के हिसाब से, फाइनेंशियल रेशियो के हिसाब से, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, फ्यूचर एंड ऑप्शन के हिसाब से, प्राइस एंड वॉल्यूम के हिसाब से, देन यहाँ पर टेक्निकल इंडिकेटर, देन यहाँ पर ग्रोथ। बट अगर आप चाहते हो कि डायरेक्टली नहीं हम यहाँ पर किस में क्या क्या है हम वो एनालिसिस नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि डायरेक्टली पी बी रेशियो वाले जो फिल्टर में जो स्टॉक है ना नेम है वो आ जाए, तो यहाँ पर सर्च में करते हैं क्लिक, पी बी लिख दिया हमने, ठीक है, तो यहाँ पर पी बी जैसे ही लिखा हमने तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे पेड भी ऑप्शन है, तो हमें ये सारे नहीं चाहिए इनिशियल टाइम में, तो यहाँ पर पी बी रेशियो देख सकते हो यहाँ पर है, ठीक है, तो हम पी बी रेशियो को सिलेक्ट कर लिया हमने, देन यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई में कर देना है क्लिक, देन यहाँ पर देख सकते हो ऑटोमेटिकली पी ई तो था ही, पी बी रेशियो भी आ गया, देन यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो पी बी रेशियो वाले भी आ गया है। देन यहाँ पर कहा जाए तो हम चाहते हैं कि किसी भी कंपनी का अगर माइनस में हो तो वो ना आए, तो हम इसको सिलेक्ट कर देंगे, देन यहाँ पर अपडेट में कर दिया क्लिक, देन यहाँ पर हमने किया क्लिक, तो देख सकते हो माइनस में किसी भी कंपनी का, मोस्ट ऑफ द कंपनी का ही पी बी जो है माइनस में नहीं है। एंड यहाँ पर हम चाहते हैं कि सबसे सस्ता पी बी रेशियो कौन कौन से स्टॉक का है वो देखना, तो पी बी में क्लिक कर देते हैं, दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे सस्ता वाले जितने भी पी बी वाले स्टॉक है वो आ गया है यहाँ पर 00, ठीक है, तो 00 वाले तो कंपनी ख़त्म ही हो गया है मान लो, देन यहाँ पर देख सकते हो किस कंपनी का पी बी कितना है आप यहाँ से पता कर सकते हो दोस्त, ठीक है, जैसे कि ये जो फूडवेयर है
इसका अगर कहा जाए तो पी बी देख सकते हो 20 पैसा है। कंपनी का नेम क्या है देख सकते हो, यहाँ पर देखो ये कंपनी का नेम है। एंड इस कंपनी का अगर कहा जाए तो मार्केट कैप देख सकते हो यहाँ पर कैसा है, तो मार्केट कैप सिर्फ 70 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। इसी तरीके से अगर आप जैसे कि एडिट फिल्टर में फिर से करो क्लिक, देन यहाँ पर ऐड फिल्टर में करो क्लिक, यहाँ पर देख सकते हो ऐड फिल्टर का ऑप्शन है, यहाँ पर करेंगे क्लिक। देन यहाँ पर हम चाहते हैं कि जैसे कि प्रोमोटर पी आर ओ एम, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो प्रोमोटर होल्डिंग चेंज, प्रोमोटर का जैसे कि प्लेस का होल्डिंग वो भी देख सकते हो, यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग भी देख सकते हो यहाँ पर सिलेक्ट करके। देन प्रोमोटर होल्डिंग चेंज लास्ट 3 मंथ में भी कोई चेंजेस आया है कि नहीं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम चाहते हैं कि प्रोमोटर होल्डिंग लास्ट 3 मंथ, तो वो अप्लाई कर देते हैं, देन यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। देन यहाँ पर देख सकते हो सबसे लास्ट में यहाँ पर आया है प्रोमोटर होल्डिंग, तो यहाँ पर देखा जाए तो प्रोमोटर होल्डिंग लास्ट 3 मंथ में क्या चेंजेस है वो आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किस में चेंजेस आया है वो आप देख ही सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जाए जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो जेड आई एम ओ, ठीक है, तो ये जो कंपनी है इस कंपनी का प्रमोटर ने 3% के आसपास स्टेक को सेल किया है, तो आप यहाँ से आसानी से पता कर सकते हो। तो देख सकते हो आपने मनपसंद फिल्टर आप यहाँ पर लगा के अपने पसंदीदा किसी भी मल्टीबैगर स्टॉक को ढूंढ सकते हो दोस्त बहुत ही इजीली। जैसे कि हम चाहते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 0 से नहीं 1 करोड़ से जैसे कि 50 करोड़ के बीच में हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 50 करोड़ डाल दिया, देन यहाँ पर हम क्या करेंगे अपडेट में करेंगे क्लिक। तो 1 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक मार्केट कैपिटलाइजेशन का कितने शेयर है, तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट 700 शेयर अवेलेबल है। उसके बाद अगर आप फिल्टर में यहाँ पर कहा जाए ना तो सब कुछ ही सही है, बट उसके बावजूद भी यहाँ पर अगर आप फिल्टर में चाहते हो कि जैसे कि पीई बहुत ज़्यादा महंगा ना हो, जैसे कि यहाँ पर 400 वाला है, तो हम चाहते कि इतने ऐसे स्टॉक है तो पीई जो है ना 10 रुपीज़ से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो हम 10 रुपीज़ डाल देते हैं, देन यहाँ पर 0 है, 0 को हम डाल देते हैं, जैसे कि 0 ही रहने देते हैं, जैसे कि 0.1 डाल देते हैं, ठीक है। देन अपडेट में करते हैं क्लिक, देन यहाँ पर अप्लाई में कर देते हैं क्लिक। तो देख सकते हो ओनली 97 शेयर ही आया है। तो अगर आप ऐसे फिल्टर कर दोगे देन 97 शेयर्स को एनालिसिस कर लो 1 by 1, देन आप देख सकते हो कि 50 करोड़ में से कैसा कौन सा ऐसा स्टॉक है जो मल्टीबैगर बन सकता है। इस तरीके से भी आप आसानी से एनालिसिस कर सकते हो दोस्त। कंपनी का नेम लिख दो, देन उसके बाद आप एनालिसिस करो एंड उनमें से मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढ सकते हो। और हम लोग तो बताते ही हैं बहुत सारे मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में, आप हमारे चैनल पर जाओ, ऐसे स्टॉक हमने निकाल के रखा है जो 10,000%, 1,00,000%, 2,00,000%, 3,00,000, 8,00,000% रिटर्न कौन कौन से स्टॉक ने जनरेट करके दिया है, हर एक के ऊपर हमने वीडियो बना के रखा है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ही हमने थोड़ा सा दिमाग लगा के ही निकाला है ऐसे स्टॉक को जो स्टॉक ने मल्टीबैगर रिटर्न पास्ट में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट के हिसाब से भी निकाल सकते हो एंड उसके बाद अपना दिमाग लगा सकते हो कि ये कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर सकता है फ्यूचर में। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने देखा है दोस्त कि पास्ट में जिस कंपनी ने ना बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है वही बेटर करता रहता है, ठीक है। तो जो कंपनी ने थोड़ा बहुत बेहतर किया है अपने फील्ड में उस कंपनी को पिकअप करना बेहतर है, ठीक है। ये नहीं है कि आपको लार्ज कैप स्टॉक में जाना है, स्मॉल कैप स्टॉक में भी बहुत सारे कंपनी है, पेनी स्टॉक में भी, जैसे कि 1 करोड़ से 50 करोड़ में बहुत सारे ऐसे स्टॉक होंगे जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है, उनमें से हर एक स्टॉक का नेम ढूंढो, देन उसके बाद उनमें से कौन से स्टॉक है जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दे रहा है, देन देखो कौन कौन से ऐसे स्टॉक है जो डेट फ्री कंपनी है वो ढूंढ सकते हो आप। एंड उसके बाद आप कस्टमाइज करके उन स्टॉक को एनालिसिस करो, देन उनमें से किसी एक स्टॉक में पैसा लगा के रखो, ठीक है। तो अच्छा खासा ही आप पैसा निकाल सकते हो। जैसे कि आप चाहते हो कि डेट फ्री कंपनी निकालना, जैसे कि हमने मार्केट कैप डाला है
तो मार्केट कैप हम चाहते हैं कि जो है वो ही रहे, बट यहाँ पर जो है ना फिल्टर में हम जाते हैं, देन यहाँ पर क्या करते हैं ऐड फिल्टर में करते हैं क्लिक, देन यहाँ पर सर्च में करते हैं क्लिक DEBT डेप टू इक्विटी ही नहीं, हमें चाहिए डेप फ्री कंपनी। तो डेप फ्री कंपनियाँ हमें कैसे मिलेगा, तो उसके ऊपर भी हम दिमाग कैसे लगाना है वो भी बताते हैं। डेप टू इक्विटी को सर्च करना है, देन यहाँ पर क्या करना है इसको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर लिया इसको सिलेक्ट, देन यहाँ पर क्या करना है अप्लाई में कर देना है क्लिक, देन यहाँ पर कर दो क्लिक, देन यहाँ पर देख सकते हो तो बहुत सारा स्टॉक आया है। तो यहाँ पर हम हमारा जो कस्टमाइजेशन है वो यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो, पूरा का पूरा मार्केट का सारा स्टॉक निकल कर आ जाए। जैसे कि यहाँ पर सारा स्टॉक आ गया है यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेप्थ टू इक्विटी का जो ऑप्शन है इसमें करेंगे क्लिक, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा से सबसे कम आ जाएगा। जैसे कि सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो देख सकते हो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाले आ गया है, तो हम सबसे कम वाले देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे कम वाला आ गया है। तो थोड़ा सा हम जब नीचे से स्क्रॉल करते रहेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टॉक आ जाएगा, जैसे कि ये सारे ही स्टॉक ऑलमोस्ट डेथ फ्री कंपनी है, ठीक है, जिन्होंने कर्ज़ा नहीं लेके रखा है। तो इस तरीके से आप अगर सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे कि कुछ कंपनी का अगर बहुत ही कम हो ना तो आप यहाँ से पता कर सकते हो। जैसे कि ये कंपनी का देख सकते हो 00 है, तो यहाँ पर देख सकते हो, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो दोस्त। तो डेथ फ्री कंपनी आप इस तरीके से ही निकाल सकते हो। तो आई होप आपको मल्टीबैगर स्टॉक अपने हिसाब से ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगा टिकरटेप को यूज़ करने के बाद, ठीक है। तो अभी ही जाओ स्टार्ट करो अपने पसंदीदा मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढना, अपने पसंदीदा सेक्टर एनालिसिस करो, देन उसके बाद डिसीजन लो, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा तो आप अच्छे अच्छे स्टॉक निकाल सकते हो यहाँ से, थोड़ा सा एक्सपीरियंस का ज़रूरत है और कुछ भी नहीं, और हम तो है ही निकाल के देने के लिए। तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो, हमारे साथ जुड़े भी रह सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मे गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।